हे फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्राफ्ट। उसके लिए मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी ले लिया है, उसके अंदर मैंने फेविकॉल डाल दिया है और थोड़ा सा पानी। तो इसको अच्छे से मिला के एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इस गाढ़े से पेस्ट को अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। एक पुराना सा पेस्ट जार था जिसको मैंने पेन होल्डर बनाया हुआ था, बहुत पुराना हो गया है तो मैं इसी को रीयूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से ये गाढ़ा पेस्ट इसके ऊपर मैं नाइफ की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी। इसको लगाने के बाद मैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी सूखने के लिए। यहाँ पर मैंने बस वॉल पुट्टी और थोड़ा पानी मिला के एक डो बना लिया है। इस डो के हेल्प से मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के सर्कल बना लूँगी, कुछ इस तरीके से। जब वॉल पुट्टी से काम करेंगे तो जो डो बनाएंगे उसको एक गीला कपड़े से ढक के रखना। यहाँ पर मैंने सारा सर्कल बना लिया है और इसको मैं एज ए स्टोन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको बस 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मैं सारे स्टोन को इसके ऊपर चिपका दूँगी, कुछ इस तरीके से। ये सारे सर्कल अच्छे से लगा देने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। यहाँ पर मैंने फिर से एक डो बना लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है वायर। तो यहाँ पर मैंने वायर को 2 पीस में कट कर लिया है और इसको इस तरीके से शेप दे दूंगी। पर मैं क्यूट सा डॉल बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं डॉल का सर बना रही हूँ, कुछ इस तरीके से। इसको बनाने के बाद हम अब इसको वायर पर लगा देंगे और यहाँ पर मैंने इसका मुंह भी बना दिया। अब बारी है बॉडी की, तो बॉडी को मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके ड्रेस का शेप बनाऊँगी, कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पर इसको स्मूथ करने के लिए पानी का यूज़ कर रही हूँ। इसे सच्ची बोलूँ तो जब मैं इसको बना रही थी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर लगा है, पर मुझे इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको पसंद हो और आप जब खाली टाइम पे रहे तो आप भी ऐसे क्राफ्ट बनाइए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो इन प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। तो अब मैं इसको कुछ फ्लावर जैसा शेप दे रही हूँ इसकी ड्रेस को, और यहाँ पर मैं साथ ही में डिज़ाइन भी क्रिएट कर दे रही हूँ। जो भी मेरे पास में टूल्स वगैरह पड़ा हुआ था मैं उसी से डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो अब बारी है इसको चिपकाने की। तो वही मैंने गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार कर लिया वॉल पुट्टी का, और अब मैं डॉल को इसके ऊपर चिपका दूंगी, कुछ इस तरीके से। इसको चिपकाने के बाद अब बारी है डॉल के हेयर का। तो डॉल के हेयर को मैं कुछ इस तरीके से शेप देके और नाइफ से इसके हेयर का टेक्सचर बना रही हूँ। और यहाँ पर जिस चीज़ से मैं चिपका रही हूँ वही सेम तरीका है। आपको वॉल पुट्टी लेना है, ग्लू लेना है और थोड़ा सा पानी, और गाढ़ा सा पेस्ट रेडी करके आपको चिपकाने का सारा काम करना है। अगर मेरे काम आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को क्राफ्ट का काम पसंद है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को और भी मिल सके। तो मेरा ये पूरा क्राफ्ट अच्छे से सुखाने के बाद अब बारी है कलर करने की। तो यहाँ पर मैं कलर कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं स्किन कलर कर रही हूँ पहले, क्योंकि मैंने पहले इसको बना लिया था और ये बहुत जल्दी सूख जाता है। यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, पर आप लोग ऐसे डॉल के ऊपर पहले कलर मत कीजिएगा। पहले आप लोग इस पेन होल्डर को कलर कर लीजिएगा, फिर करना आप डॉल के ऊपर कलर। तो मैंने डॉल को कलर करने के बाद यहाँ पर मैंने पेन होल्डर को ब्लू कलर में कलर किया है, और इसको भी अच्छे से सुखा लेंगे। सुखाने के बाद अब बारी है हमारा डॉल का ड्रेस का कलर करने की। तो यहाँ पर मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ डॉल के ड्रेस को कलर करने के लिए। Thank you.
में लिख रही हूँ हमारा चैनल का नाम इक्स रोशो ड्राइंग। यहाँ पर हमारा क्राफ्ट बन के रेडी हो गया है। तो ये क्राफ्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए विदा लेती हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए टाटा।